चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनित एप्टीट्यूड पाठशाला में। आज हम लोग परसेंटेज का 11th लेक्चर पढ़ेंगे। यदि आपने हमारे सभी लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन लेक्चर को देख लें। उन सभी लेक्चर का लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का यह लेक्चर टैक्स से संबंधित है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन पर क्लिक करें। आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स इज इंक्रीजेज बाय 19% देन नेट इनकम रिड्यूस बाय 6%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब देखिए, इनकम टैक्स में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है, 19% का, तो इनकम रिड्यूस कितना हो रहा है, 6% से, तो हमें रेट ऑफ इनकम बताना है। टैक्स संबंधी सवाल बनाने के लिए पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद ये सवाल बहुत आसानी वे से हम लोग बना लेंगे। देखिए, इनकम क्या होता है, हम लोग वर्क करने के बाद जो हमें पैसे मिलती है, वर्क करने के बाद जो हम लोग पैसे आउटपुट मिलती है वो क्या है, इनकम है। इनकम कमाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टैक्स पेड करते हैं। किसको, सरकार को। सरकार को जो हम लोग कुछ पैसा पेड कर देते हैं उसको हम लोग टैक्स कहते हैं। और उसके बाद जो मेरे पास पैसा बचता है उस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, नेट इनकम। समझ गए, टैक्स क्या हुआ, हम लोग कमाने के बाद जो पैसा उसमें से अपनी कमाई में से कुछ पैसा सरकार को पेड कर देते हैं वो क्या हुआ, टैक्स। और नेट इनकम का टैक्स पेड करने के बाद जो पैसा बचा मेरे पास वो क्या हुआ, नेट इनकम। अब मान लिया जाए हम 100 रुपीज, मेरा इनकम कितना है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ में हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपया सरकार को पेड कर देते हैं, और तो मेरे पास कितना बचा, 19 रुपीज़। अब हम क्या करते हैं, मेरा इनकम तो 100 ही है, लेकिन टैक्स में क्या कर देते हैं, टैक्स इस बार हम कितना पेड करते हैं सरकार को, 50 रुपीज़। जब सरकार को हम 50 रुपीज़ टैक्स पेड किए तो मेरा नेट इनकम कितना हुआ इस बार, 85 रुपीज़। इस बार क्या करते हैं, नेट इनकम को हम लोग और बढ़ा देते हैं, 10 रुपीज़ से बढ़ा देते हैं, तो इस बार हम कितना पेड करते हैं, 25 रुपीज़, तो मेरा नेट इनकम कितना हो गया, 75 रुपीज़, तो मेरा इनकम कितना है, 100 रुपीज़। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, नेट इनकम टैक्स को 5 रुपया से इंक्रीज कर, टैक्स को 5 रुपीज़ से इंक्रीज कराए, तो नेट इनकम मेरा 5 रुपीज़ से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या किए, नेट टैक्स को 10 रुपीज़ से इंक्रीज कराए, तो मेरा नेट इनकम कितना होगा, 10 रुपीज़ से डिक्रीज कर गया। अब इस बार हम लोग क्या करते हैं, टैक्स कम पेड करते हैं, 25 रुपीज़ टैक्स पेड कर रहे हैं, तो इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 रुपीज़ का टैक्स पेड कर देते हैं, 5 रुपीज़ सरकार को देते हैं, तो मेरे पास कितना बचेगा, 95 रुपीज़, तो मेरा इनकम कितना हुआ, 100। अब देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, हम कितना टैक्स पेड कर रहे हैं, 5 रुपीज़ कितने कमी किए, 20 रुपीज़ का यहाँ पे कमी किए, तो मेरा इनकम कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, 20 रुपीज़। देखिए, इस चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जितना हम लोग टैक्स पेड करते हैं, जितने रुपये का टैक्स पेड करते हैं उतने मेरा नेट इनकम घट जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या है, जितना रुपीज़ का हम टैक्स ज़्यादा पेड करते हैं उसी उतना रुपीज़ ही इनकम मेरा क्या होता है, घट जा रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 10 रुपीज़ का क्या कर रहे हैं, हम लोग टैक्स ज़्यादा पेड कर रहे हैं, तो नेट इनकम भी क्या हो रहा है, उसी 10 रुपीज़ ही मेरा घटा। लेकिन यहाँ पर देखिए, नेट टैक्स कितना हुआ, 20 रुपीज़ का हम लोग कम पेड किए, तो मेरा इनकम कितना हो गया, 20 रुपीज़ बढ़ गया। तो इस बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि जितना हम लोग टैक्स अधिक पे करेंगे, जितना रुपया टैक्स अधिक पे करेंगे नेट इनकम उतने रुपया से मेरा घट जाएगा, या जितने रुपीज़ टैक्स हम कम पेड करेंगे उतना रुपया ही मेरा टैक्स क्या होगा, सॉरी इनकम टैक्स इनकम क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी बेस पे हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। इस सवाल में सबसे पहला है, टैक्स इंक्रीजेज बाय 19%, 19% क्या है, टैक्स में इंक्रीमेंट है,
तो टैक्स ऑफ का 19% इंक्रीमेंट है, ये किसके बराबर होगा? नेट इनकम का रिड्यूस। तो नेट इनकम मेरा कितना रिड्यूस है? नेट इनकम जो है मेरा 6% से रिड्यूस है। परसेंट से परसेंट को हम लोग काट दें, क्या बचा? टैक्स, टैक्स बाय नेट इनकम, नेट इनकम। अब टैक्स बाय नेट इनकम क्या है? 6/19। देखिए यहाँ पे क्या किया, नेट इनकम को हम लोग इधर लाए और टैक्स जो था इसको हम लोग इधर भेज दिए, क्या होगा? 6/19। तो मेरा टैक्स कितना हुआ? 6 यूनिट। तो नेट इनकम कितना हुआ? 20 रुपीज़। अब देखिए इनकम इक्वल टू क्या होता है? टैक्स प्लस नेट इनकम, नेट इनकम। तो टैक्स मेरे पास कितना है? 6 यूनिट है। तो नेट इनकम कितना हो गया? 19 यूनिट। तो मेरा इनकम कितना हो गया? 25 रुपीज़, 25 यूनिट। अब देखिए हम क्या बताना है, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालना है। तो टैक्स कितना है? 6 रुपीज़। इनकम कितना है? 25। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग रेट निकाले हैं, टैक्स किस पे पेड कर रहे हैं? नेट इनकम पे या इनकम पे? तो हम लोग इनकम पे टैक्स पेड करते हैं। तो इनकम का क्या करेंगे? 6% निकालेंगे। तो इनकम का 6% जो होगा वही मेरा क्या होगा? रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो 6 रुपया हम लोग क्या कर रहे हैं? टैक्स पेड कर रहे हैं। कितने रुपये में? 25 रुपीज़ में। तो 25 से इसको डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई 100। तो 25 से इसको कैंसिल किया 4 टाइम्स में, कितना हुआ? 24%। ये जो मेरा है नेट इनकम, सॉरी ये इनकम टैक्स का रेट है। हम जो इनकम टैक्स पेड कर रहे हैं वो मेरा 24% का रेट है। उम्मीद करते हैं इस सवाल को समझ चुके हैं। इस सवाल को हम लोग एक बनाने इतना सा काम नहीं करने के लिए एक फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं, जो कि जो फॉर्मूला है हम लोग लिख देते हैं, उस फॉर्मूले के द्वारा भी इस चीज़ को बना सकते हैं आप। परसेंट रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे? नेट इनकम, नेट इनकम बाय टैक्स प्लस नेट इनकम मल्टीप्लाई 100। अब देखिए यहाँ पे नेट इनकम जो लिखेंगे, नेट इनकम में कितने परसेंट की कमी होगी या वृद्धि होगी? रेट नेट इनकम मेरा कितने परसेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसको लिखेंगे। प्लस माइनस, प्लस मेरा साइन दिखेगा इंक्रीमेंट को, माइनस साइन दिखा रहा है डिक्रीमेंट को। तो यहाँ पे परसेंट में जो वैल्यू वो लिखेंगे। यहाँ पे क्या कौन सा टैक्स होगा? टैक्स में कितने परसेंट डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा उस चीज़ को हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पे नेट इनकम ऊपर में लिखे हुए हैं वही है। तो समझ चुके हैं इस फॉर्मूला को, इसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग अब इस सवाल को बनाएंगे। देखिए नेट इनकम, तो नेट इनकम मेरे पास कितना है? नेट इनकम कितना इंक्रीज कर रहा है? रिड्यूस हो रहा है, सॉरी नेट इनकम मेरा क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। कितने परसेंट से? 6%। तो नेट इनकम को 6% ऊपर लिखे। उसके बाद क्या है? नेट इनकम मेरा 6 है, टैक्स कितना है? 19% मल्टीप्लाई 100। तो 6/20 मल्टीप्लाई 100। तो 24 से 4 टाइम्स में कैंसिल, कितना हुआ? 24%। देखिए ये सवाल भी पिछले जैसा सवाल है, इसको हम लोग कितने आसानी से बना दिए। यदि ये फॉर्मूला याद रखने के बाद आपको सवाल को तुरंत निकाल सकते हैं। और इसके बाद अगले सवाल भी सेम तरीके से है, उस सवाल को हम इससे भी आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीजेज बाय 20% देन नेट इनकम रिड्यूस बाय 5%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनकम टैक्स इज रिड्यूसेज बाय 20%। सबसे पहले टैक्स मल्टीप्लाई 20% लिख दीजिए। उसके बाद क्या, नेट इनकम रिड्यूस बाय 5%। तो नेट इनकम मल्टीप्लाई 5% रिड्यूसमेंट है। तो क्या करेंगे अब, टैक्स बाय नेट इनकम निकाल लिए, तो क्या होगा? 5/20। 5 यहाँ रह गया, नेट इधर, यहाँ क्या किया, नेट इनकम को यहाँ भेज दिए और 20% को हम लोग इधर ला लिए। तो अभी क्या हो गया, 5 से कैंसिल 4 टाइम, 1/4। तो इनकम इक्वल टू क्या होता है?
टैक्स प्लस नेट इनकम, तो टैक्स प्लस नेट इनकम, तो टैक्स मेरा कितना 1 यूनिट, नेट इनकम कितना 4 यूनिट, तो इनकम कितना हो गया 5 यूनिट। अब रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालना है तो कितना यूनिट का चेंजिंग है, वन इनकम है 5 यूनिट और टैक्स है 1 यूनिट, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/5, 1/5, 1 मेरा क्या हुआ टैक्स और 5 क्या हुआ इनकम, इसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होगा 20, तो मेरा आंसर हो गया 20%। ठीक है, ये मेरा था इस सवाल का बेसिक सॉल्यूशन। अब इस सवाल को हम लोग देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, परसेंट रेट इक्वल टू नेट इनकम कितना है 5%, तो हम लोग 5% ऊपर लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 20 + 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हुआ 5/25 × 100, 25 से 4 टाइम में कैंसिल, कितना हुआ 20%। देखिए ये कितनी जल्दी हम लोग निकाल लिए, हम लोग कुछ नहीं, इस सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो सबसे ऐसे ऐसे याद नहीं रख सकते हैं, तो सीधी सी बात, जैसे ही टैक्स का कोई सवाल आए क्या करना है, सबसे पहले ऊपर, जब सबसे पहले ऊपर छोटा वैल्यू जो है ऊपर आप लोग लिख दीजिए, छोटा वैल्यू जो है ऊपर लिख दीजिए, और उसके बाद जो दो वैल्यू बचा, एक और वैल्यू है तो उसको क्या करते हैं, उसको प्लस करके नीचे लिख के 100 से मल्टीप्लाई करके जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो मेरा हो जाएगा आंसर। बस इस तरह से करना है और आपको आंसर क्विक निकाल सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल जो है हम लोग इसी बेस पे बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, इफ इनकम टैक्स इज डिक्रीज बाय 15%, द नेट इनकम इंक्रीज बाय 3%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। कुछ नहीं करना है इस सवाल में बनाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं परसेंट रेट इक्वल टू क्या, इनकम टैक्स नेट इनकम कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है 3% से, तो 3 को ऊपर लिख दिए, उसके बाद यहाँ 15% है यहाँ 3% है, तो 15 + 3 × 100, इसको सॉल्यूशन करेंगे 3/18 × 100, 3/6 टाइम कैंसिल, 2 × 3 = 50, 50/3, मेरा आंसर कितना हुआ 16.2/3%, ये मेरा इस सवाल का आंसर है। इफ इनकम टैक्स इज डिक्रीज बाय 18% देन द नेट इनकम इंक्रीजेज बाय 6%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। कुछ नहीं करना इस सवाल को बनाने, क्या 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 करेंगे, इनकम टैक्स का रेट निकालना है, तो इनकम नेट इनकम में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है 6 रुपीज़ का, तो 6 को ऊपर लिखे, उसके बाद क्या करेंगे 6 + 18 × 100, 6/24 × 100, 6 से कितना टाइम्स कैंसिल 4 टाइम्स से, 4 से ये 25 टाइम्स कैंसिल, तो कितना हो गया 25%। देखिए जब हम इनकम टैक्स में मेरा 18% का डिक्रीमेंट होता है और इनकम 5% से इनकम सॉरी 6% से इंक्रीमेंट होता है, तो उसमें रेट ऑफ इनकम कितना होगा 25%। उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग समझ चुके हैं, यदि नहीं समझे होंगे तो इस लेक्चर को फिर से दोबारा रिपीट करके देख लें ताकि अच्छी तरीके से समझ हो सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।